नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा जाजू। आज हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर होता है जो डिलीवरी के बाद होता है। इसमें महिला को अच्छा नहीं लगता है, एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है और कभी कभी इस हद तक पहुंच सकता है कि महिला सुसाइड करने का भी सोच सकती है और अपने बच्चे को भी हार्म कर सकती है। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो या चेंजेस होते हैं डिलीवरी के बाद और साथ में बच्चे की जो सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसके कारण होता है। ये तीन तरह का होता है। इसमें बेबी ब्लूज जो कि बहुत कॉमन होता है और ऑलमोस्ट 80% ऑफ द महिलाएं इसको फेस कर सकती है, जिसमें उसे अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी होती है कि मैं बच्चे को कैसे संभालूंगी, अपनी देखभाल कैसे करूंगी। ये 15 दिन में नॉर्मली ठीक हो जाता है। सेकेंड होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसमें महिला को सब समय खराब लगता है, होपलेसनेस लगता है, एंग्जाइटी होती रहती है और ये भी यूजुअली वुमन ओवरकम कर लेती है 1-1.5 महीने में। तीसरा फॉर्म जो रहता है वो पोस्टपार्टम साइकोसिस कहलाता है। वो बहुत ही सीवियर फॉर्म होता है। ऑलमोस्ट 1,000 में से 1 या 2 महिला को हो सकता है। इसमें उसको हेलुसिनेशन या वहम होते हैं और इस समय वो बच्चे को भी हार्म कर सकती है और खुद भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। और जो लास्ट के मैंने 2 बताए उसमें ज़रूर एक साइकियाट्रिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। थैंक यू।